नहीं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मुझे ज़्यादा अभी इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं, पर उसमें मज़े की बात यह है कि अचानक जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे सरप्राइज्ड कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हमें पता ही नहीं था आप शो में हैं, अचानक आप शो में आ गए, आपने किसी को बताया नहीं। मैं रूपांतर कर रहा हूँ, एक किसी ने मुझे मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि ये ऐसा लगा जैसे डिश के ऊपर तड़का जो है वो आपका कैरेक्टर है। सो यू नो फॉर एन एक्टर दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हियर कि यू नो किसी को लगे कि आपका फ्लेवर इतना स्ट्रांग था कि उसने डिक्टेट किया प्रीटी मच द कोर्स ऑफ इवेंट्स, बट आई एम श्योर वाज अदर कॉम्प्लीमेंट्स द ब्यूटीफुल लेडीज वुड हैव गॉटन बिकॉज़ दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट। बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक प्रोबब्ली दैट when they read the book they imagined Rivana exactly like how it came on screen, so as somebody who's adapting a book it was a big compliment that I did the character correctly, so I think probably that would yeah, be yeah that's useful. Ab dono se jana chahungi ki is web series ke part kaise bane, kaise approach kiya gaya to the character? No, how did they make the show and how did they approach you for it? I was not approached. I auditioned with a big line of people in a room. And when I got the call about being shortlisted, I spoke to our wonderful showrunner, Mr. Goldibel, and we were sitting with the author as well, Mr. Novaneel Chakrabarty. And I got all the information about the story and the script, and I found it very interesting. And from then we went ahead with it. Yeah. Goldie के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ एंड बहुत 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 दोस्ताना प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, और जब आप कुछ ऐसा कर चुके होते हैं जो सक्सेसफुल होता है तो दोबारा काम करने का एक मन होता है आपको, क्योंकि वो आपकी पिछली वाली मेमोरी एक बहुत सक्सेसफुल प्लेजेंट मेमोरी होती है। तो मैंने गोल्डी ने बुलाया और उन्होंने कहा ये कैरेक्टर एक्चुअली किताब में नहीं है और ये शो है जो हम किताब के ऊपर बना रहे हैं, पर किताब में ये कैरेक्टर नहीं है और ये कैरेक्टर मैंने सोचा है, और जब से मैंने सोचा है तो दो तीन चेहरे मेरी नज़र के सामने थे, उसमें से एक तुम्हारा था एंड मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो एंड या तो वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, और मैंने कहा पर गेस्ट पेरेंट्स है और आप क्या चाह रहे हैं, और उन्होंने जब मुझे उस कैरेक्टर के बारे में बताया और उसके डायनामिक्स बताए तो वो उसकी एक बोल्डनेस थी, एक स्ट्रेंथ थी जो मुझे लगा कि बहुत मज़ेदार होगी प्ले करने के लिए। और कभी कभार नंबर ऑफ सीन्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, उन सीन्स में उसकी कहानी बयां करना इंपॉर्टेंट होता है, और आई थिंक वो एक चैलेंज था और हमने बहुत मज़े से किया। एंड आई थिंक जितनी चीज़ें मैंने आज तक की हैं उसमें ये शायद एक मुख्तलिफ अलग चीज़ रहेगी हमेशा। सबसे पहला थॉट क्या है जब ऑफर किया गया आपको? जब ऑफर, आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इट, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड एंड देन आई एक्सहेल्ड एंड देन वी स्टार्टेड रिहर्सल, सो आई डिडंट हैव क्वाइट अ मोमेंट टू या नहीं, मुझे तो सोचना इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करनी थी जो बेचारी मेरी जो टेलीविज़न ऑडियंस है वो देखकर काफ़ी झटका खाने वाली थी, बट वही मेरा इंसेंटिव था। इंसेंटिव इस बात का था कि आप एज एन एक्टर कुछ ऐसा करें जो आपने पहले नहीं किया, आप कुछ ऐसा दिखाएं जो आपने पहले नहीं दिखाया, और इस साल कुछ ऐसे ऑफर्स मिले मुझे जहाँ मैं वो वेरिएशन बहुत अच्छे से दिखा पाया। मैं स्टेज पर देवदास कर रहा था, मैं टेलीविज़न पर अघोरी कर रहा था, मैं एक और वेब सीरीज़ में एक पोएट का रोल प्ले कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ये स्ट्रॉन्ग पावर गेम खेलने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट प्ले कर रहा हूँ। सो वो वेरिएशन दिखाने का मौका एक एक्टर को जब मिलता है तो हम लालची हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि ग्रीडी होकर मुझे ये करना है। दैट्स व्हाट इट वाज, दैट्स व्हाट द रिएक्शन वाज। आप दोनों जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी, कितना चैलेंजिंग रहा और कितना मज़ेदार है? कितना चैलेंजिंग और कितना मज़ेदार? How challenging was it? How much did you enjoy? It was incredibly challenging to play Rivana because I am nothing like Rivana at all.
I don't make any of her decisions, and I don't agree with a lot of the things she's done, but I think it was a lot of fun to take my own head off of my body and try to understand Rivana completely. And by the end of the shoot, I was her and she was me, and it was quite an immersive, this thing, experience. No, I'm exactly like that. No, I'm not. Maybe I am. Maybe I'm not. मज़ा बहुत आया बिकॉज एक ऐसा कैरेक्टर जो जैसे मैंने कहा जिसके सीन्स बहुत कम हैं जिसे कहानी में ऐड किया गया है जिसे जिसके बारे में ऐसे कहा जाएगा कि ये गेस्ट अपेरेंस है बट यू नो स्पेशल गेस्ट अपेरेंस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या फ्लेवर लेकर आ सकते हैं आप उस कहानी को कैसे एनहेंस कर सकते हैं उसके अलावा उन कम सीन्स में आप ऐसा क्या करेंगे जो पहले नहीं किया गया हो या इस किस्म के रोल में ऐसी क्या नई चीज़ दिखाएंगे जो पहले ना देखी गई और मेरा एक आइडिया था और वो मैंने यू नो गोल्डी के साथ शेयर किया उनको वो अच्छा लगा और फिर हमने वही अप्रोच पकड़ी और हमने उसे एक एक पावर की गेम बना दी रादर देन एनीथिंग एल्स एंड वो पावर की गेम वाला डिसीजन बनाने के बाद हमें एक सुर मिल गया कैरेक्टर तो चैलेंजिंग भी था और एक्सपेरिमेंटल भी था बट मज़ा बहुत आ रहा था बिकॉज आप लिटरली बहुत कम सीन्स में कुछ बहुत यू नो नया क्रिएट कर रहे थे अंदर उस फॉर्म प्रेपरेशन वॉज रीडिंग ऑल द बुक्स फॉर मी आई हैड टू रीड ऑल थ्री टू अंडरस्टैंड द आर्क ऑफ द स्टोरी सो आई डिड दैट आई हैड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस विद माई डायरेक्टर Farooq Kabir and our showrunner, Mr. Goldie Bell, about how we can take this character all the way through according to the novel. So for me, it was reading the books for sure. मैं तो इसकी preparation बहुत सालों से कर रहा हूँ. So जब आप ये show देखेंगे तब आपको मेरा ये जवाब समझ में आएगा. कितना relate कर पाए आप अपने character से story से आगे? अगर मैं आपके सवालों के जवाब honestly देने वाला हूँ तो मेरी बहुत पिटाई होगी बाद में बड़े नहीं. I think a lot of young people can relate to Rivana, whether they are girl, boys, doesn't matter. There's an age in everybody's life when they have to start acting independently. And when you start acting independently, it's not always easy and you make a lot of mistakes and it's never a graceful growth. And I think for me, I went through that when I was 18 years old and I left my parents' home and I moved to New York City. But in that way, I can relate a lot to Rivana because you're suddenly out of the nest and you're in the big bad world. And during that, you fall and you get up and you make mistakes. And in that way, I can completely feel for some of the things that happened to her, for sure. मेरे character से relate करना dangerous है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप पहले show देख लीजिए, फिर वापस आके मुझसे सवाल I'm so sorry, I didn't hear the question. The digital medium is providing so many new opportunities for actors. And so what do you think about that new kind of avenue that's opening up? It's incredible. There's so many opportunities happening in India right now. I came at a really good time. There's auditions every single day for incredible stories, and they're varying across several different genres and platforms. So it's the best time to be an actor here, I think. You know, काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ एंड मैंने हमेशा से थोड़ा हमेशा वही काम चुना जो मुझे एक्साइट जो सुनने में एक्साइट किया जिसने मुझे मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि ये रोल क्या मैं देखना चाहूँगा अगर इस रोल का मैं व्यूअर होना चाहूँगा तो ही मुझे हक है कि मैं अपनी ऑडियंस या अपने फैंस को कहूँ कि आप ये शो देखिए अगर मैं खुद देखना चाहूँ तो ही मैं उनसे कहूँ और मैंने हमेशा यही सोच के अपने रोल्स चुने कभी कभार वो टेलीविज़न पे बिल्कुल फैमिली ड्रामा वाले रोल्स चुनते वक्त भी मेरा ट्रैक नॉर्मल वाला नहीं है इसलिए चुना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो वेरिएशन दिखाना या वो वैरायटी करना या आज तक जो आपकी इमेज बनी है उसे तोड़कर कुछ नया करने का जो मौका है वो पहले नहीं था और अब है एंड सो इट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज इट्स
it's a welcome change. It's something that was needed because otherwise hamara jo entertainment tha uska sur bahut band gaya tha aur us kisam ki programming bahut band gayi thi aur bahut sari hamari yahan ki audience sirf foreign television dekh rahi thi us kisam ke entertainment ke liye. Now that that is being made here, we have Indian content that caters to this audience. To ek bulk audience jo hai wo ab ek kisam ka entertainment dekhti hai, ek dusri kisam ki audience dusra kisam ka entertainment dekhti hai, ek urban audience dusri kisam ka entertainment dekhti hai, and I think sab ke liye alag alag kisam ka content hona hi you know need of the hour, and I'm really thrilled that's happening. Television se web kitna alag hota hai, isme kaam karna kitna difficult ya easy hota hai ek actor ke liye? Zyada kuch मतलब मेरे जैसे एक्टर के लिए ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता. मैं उसी अप्रोच से जाता हूँ. ये समझना ज़रूरी होता है कि हमारी ऑडियंस कौन है. मैं कितनी अंग्रेज़ी में बात करूँगा, मेरा अगर कैरेक्टर में स्टाइल है तो उस स्टाइल का फ्लेवर कैसा होगा. अगर मैं किसी एक सामाजिक तबके को बिलोंग करता हूँ तो उस तबके की धारणा क्या होगी, उसकी ओपिनियंस क्या होंगी, मेरे लिए अच्छा या बुरा क्या होगा, ये उस ऑडियंस पे डिपेंड करता है जो उस किस्म का शो देखती हो. बस यही एक वो बात है जो समझनी होती है कि मैं आज एक टेलीविज़न शो कर रहा हूँ और ये टेलीविज़न शो देखने वाला ऑडियंस ये है, और आज मैं एक किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ कर रहा हूँ और इसकी ऑडियंस ये है, तो मैं सेम बात को कैसे उनके लिए अडेप्ट करूँगा. अदरवाइज़ मेहनत वाइज, प्रिपरेशन वाइज, पैशन वाइज, या उसमें इमर्स होने की जो बात है वो बराबर होनी चाहिए. वो मीडियम को देखकर कम या ज़्यादा या पर्दे के साइज को देखकर आपकी मेहनत का साइज नहीं होना चाहिए. आप दोनों का एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मतलब कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का एक दूसरे के साथ? I'm going to be honest. Okay. I had a delightful time working with him, very honestly speaking. He's a very obviously well-known actor in India, and more than that, he's an intelligent actor. He thinks about not just himself but the person in the scene. He thinks about everyone around him, and that's a treat to work with, and quite you know, I got pretty lucky. Yeah, good. The other treat is now due. But you can still be honest. It's okay. I was very pleasantly surprised with her. So maine suna tha ki जिन्हों हमारे शो में एक एक्ट्रेस आई हैं, वो अमेरिका से आई हैं, उन्होंने वहाँ कुछ स्टेज और थिएटर किया है और वो अभी रोल इंडिया में प्ले कर रही हैं. एंड स्टेज करने वाले एक्टर्स के साथ, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड वही है, तो एक एक मुझे उम्मीद थी उनसे. बट आई वाज स्टिल इवन मोर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय हाउ एफर्टलेसली अडेप्टेड शी वॉज टू द सर्कमस्टेंस ऑफ व्हाट वी वर डूइंग हियर. For a young actor, you know, या तो आप थोड़े से lost होते हैं because आपके लिए नया होता है, या आपके you know, वो सपने आप पर हावी हो गए होते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत strong opinions होती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते. अभी तक reality ने आपको थप्पड़ नहीं मारा होता कि you know, आप ऐसा सोच रहे हैं पर script में वैसा नहीं है, आप ऐसे सुर में बात करना चाहते हैं पर आपके character के हिसाब से वैसा नहीं है. For her, I thought that she was the right mix of being spontaneous, getting directed, and at the same time doing it like this is who she is. Mujhe pata tha pehle din hi ki ye character inse completely alag hai, and yet when you see her on screen aisa nahi lagta, and that I think is thank you. No, I'm not just returning the compliment. Mm-hmm. That's true. I've been saying that to other. So, you know, for a young actor, that's a great thing. Oh, thank you so much. Funny on this show. We had that shift. Yeah, I know that crazy shift. Yeah. We had a crazy shift. It was like half night, half day, and everybody was a little. हाँ, मतलब हमने एक शाम को शुरू किया और अगले दिन कहीं एंड किया, और उसके बीच में कुछ इतने अजीब अजीब दो तीन सीन कर लिए कि हम सब थोड़े से लॉस्ट हो गए. ऐसा लगा स्पेस ट्रैवल किया है. थोड़ा सा स्पेस ट्रैवल वाले जेट लैग थे हम.
एंड इट फेल्ट वेरी वियर्ड जब उसके बाद अगले दिन दोपहर को बीच दोपहर को शूट खत्म हुई और हाँ. समझ में नहीं आया कि अब ये दिन शुरू करें या खत्म करें या घर जाके अब सोएं या क्या करेंगे लंच या आई नो इट वाज सो ऑड वी हैड प्रीटी फनी कन्वर्सेशंस दैट डे यू एंड आई वो सब थोड़े से ड्रंक विद वर्क थे सो वी हैड गुड फन यस अभी तक आई हैव दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हैव डन I don't really think about what type of character I want to play. I just want to play characters. I'm open to learning about new people and yeah, I think maybe a negative lead would be fun. I want to try everything. Yeah. You know, jab aap utne waqt se kaam kar rahe ho jitne waqt se main kar raha hu to ek typecasting ho jati hai, ek slotting ho jati hai aapko एक किस्म के रोल्स बार बार मिलने लगते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आप वो रोल्स अच्छे निभाते हैं और वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं इसलिए लोग आपको बार बार रिपीट मोड पर वो रोल्स ऑफर करते हैं तो मैं अब उस स्टेज पर हूँ जहाँ पर अब मैं जो मुझे सुनने में सबसे अतरंगी लगता है मैं वो करता हूँ सो मुझे पता नहीं मैं नेक्स्ट क्या करूँगा बट लाइक आई सेड ये पिछले साल का जो वेरिएशन है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ एंड मैं ऐसे चैलेंज देता हूँ कि कोई और करके दिखा सकता है तो दिखाए बट जोक्स पार्ट दी यू नो एज लॉन्ग एज इट्स न्यू एंड एक्साइटिंग समथिंग दैट मोटिवेट्स यू टू गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड यू नो गो टू वर्क इज व्हाट इट शुड बी सो दैट्स व्हाट इट इज हाँ आई एम डूइंग ए role in Broken But Beautiful season 2 which is on Alt Balaji and now Z5 as well. Aghori is on Z so you can watch it on Z5 and there is something that we are starting again jo humne pichle saal shuru kiya tha which is a film that we started shooting in Uttar Pradesh that we will probably resume this year it has to be shot in the winters the whole story is a winter tale so it has to be done at that point of time But as and when they get the dates of everyone else is when we'll announce them. And lastly, how many fans, viewers, camera, how many this web series? Fans. Viewers. Yeah, of course, watch the show. You know, it's a really thrilling tale, but more than that, it's incredibly relatable. I think there's pieces of everybody in all of the characters. And it's a wild ride and it's bingeable and it's fun and it's free so you should watch it today right now nahi aap sab log jo ek bahut acha bana hua hum bahut sare western series ke bare mein ye baat dekh ke kehte hain ki you know is type ke shows hamare desh mein nahi bante ye this is one of those genuine indian product jo ek bahut acha thriller hai it's a psychological thriller it's got its elements it's आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो आप शायद रुक नहीं पाएंगे तो जब आप देखना शुरू करें तो थोड़ा वक्त रखिएगा अपने exactly. पास एंड लाइक शी सेड फ्री है तो देखिए और लोगों को बताइए और देखकर और लोगों को बताकर फिर वापस हमें ज़रूर बताइएगा कि सबको कैसा लगा थैंक यू